नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं बात करूंगा ओमान से। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बहुत बड़ा फैसला किया। ओमान की सुप्रीम कमेटी ने बहुत सारे फैसले किए और ओमान में क्या रही मरीज के हाल, जो कि आज भी काफी मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो 1000 के करीब केस आए। तो पूरे डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि आज ओमान में कितना केस आया। टोटल ओमान में आज केस की बात करें तो आपको बता दें 905 केस आया है। 905 केस आज के पिछले 24 आवर में आए हुए हैं। बोलो तो इसमें ओमानी कितने हैं, बता दूं आपको। इसमें ओमानी की बात करें तो 402 आदमी इसमें ओमानी है, नेशनलिटी है, और 503 नॉन ओमानी है। नॉन ओमानी का मतलब आप समझते हैं खारजी लोग हो गए, वो लोग है इसमें 503, मतलब काफी ज्यादा तादाद, भारी तादाद में इसमें खारजी लोग काफी ज्यादा हुई हैं। आपको बता दें इसमें अब तक टोटल केस अब ओमान में कितना हो गया है। टोटल ऑल ओवर जो तो दो तीन महीना से चल रहा है ये बीमारी, टोटल की बात करें तो 29,471 केस अब तक यहाँ पे हो चुका है। ऑल ओमान में इतना केस हो चुका है। वहीं आपको बता दें आज टेस्ट कितना हुआ, ओमान में कितने लोगों का चेकअप किया गया। बात करें तो ये 2804 आदमी का चेकअप आज हुआ। चेकअप लगातार मतलब स्लोली कम होता जा रहा है, चेकअप जो है वो थोड़ा बहुत मतलब कम होता जा रहा है, क्योंकि जो 4,000 ऐसा चेकअप पहले होता था तो केस मतलब 1000 प्लस आते थे, तो अभी चेकअप 2500-2800 ऐसा हो रहा था, तो मतलब 1000 के नीचे केस आ रहे हैं। यहाँ बोलते टोटल रिकवरी के मामले में ओमान मतलब काफी ज्यादा उछाल मार गया है। रिकवरी की बात करें तो यहाँ पे 15,552 आदमी अब तक पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, मतलब 50% से भी ऊपर हो चुका है जो ठीक हो जा रहे हैं इस बीमारी की वजह से, वो ठीक हो रहे हैं, जो कि काफी बेहतरीन है। क्योंकि आपको बता दें जो 29,000 प्लस केस है इसमें 15,000 आदमी पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं, जो कि काफी बेहतरीन है। वहीं आपको बता दें अब तक मतलब ओमान में करंट टोटल आईसीयू की बात करें, जो आईसीयू में भर्ती किए गए करंट मतलब 101 आदमी, करंट टोटल एडमिट की बात करें तो 396 आदमी बेड पे हैं, एडमिट किए गए हैं बेड पे। वहीं आपको बता दें इसमें न्यू एडमिट की बात करें तो 33 है। टोटल अब तक ओमान में कितने आदमी एक्सपायर हुए हैं, ओमान में आपके आपको बता दें 131 आदमी एक्सपायर हुए हैं आज तक, जो कि काफी कम है। क्योंकि बाकी कंट्रियों में सऊदी दुबई इंडिया की ले लें तो काफी मतलब वहां पे लगातार काफी भारी तादाद में लोग वहां पे एक्सपायर भी हुए हैं इस बीमारी की वजह से, जो कि काफी बैड है, क्योंकि लगातार दुनिया इससे काफी ज्यादा परेशान है। एक तो रोजी रोटी भी जरूरी है, उसके बाद इस बीमारी से भी बचना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये बीमारी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि काफी ज्यादा ये जाके यहाँ सांस पे ही असर करता है ये बीमारी, आपको सांस लेने में काफी मतलब प्रॉब्लम करता है। जैसे थोड़ा यंग है तो उनको तो थोड़ा कम प्रॉब्लम करेगा, लेकिन जो 50 या 40 प्लस है उनको काफी भारी तादाद में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि डायरेक्ट सांस पे ही जाके ये करता, तो सांस कैसे काफी मतलब फास्ट चलने लगती है। सांस ही लेने में सबसे मेन तो सांस ही इंसान का है, सांस लेने में ही दिक्कत होने लगेगा तो आप समझ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ओमान की जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो भी कहा कि जैसे सीप में जो टाइम चेंज किया गया है, यहाँ पे चेकअप सिस्टम था उसका टाइम चेंज किया, मथुरा बिलायत का भी मतलब वहां दोनों का वहां पे भी मतलब टाइम चेंज किया गया है। तो शुक्रवार और शनिवार ये तो बंद ही रहता था, बाकी और टाइम दोनों जगहों का मतलब चेंज कर दिया गया। तो ये थी ओमान की अपडेट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दिएगा। नमस्कार।